हेलो दोस्तों, मैं प्रकृति, आप सभी का मेरे चैनल सरकारी सोर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एलटी ग्रेड रिजल्ट के अपडेट की बात करेंगे। मेनली आज हम बात करेंगे एलटी ग्रेड इंग्लिश की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। जैसा कि दोस्तों, आज दोपहर में मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि आप सभी लोग प्लीज़ मुझे अपने अपने मार्क्स बताएँ ताकि हम लोग एक एवरेज कट ऑफ डिसाइड कर सके। जो भी अभी जो सब्जेक्ट्स रह गए हैं, अभी जो सब्जेक्ट जिनके रिजल्ट अभी आए नहीं हैं, उन सभी सब्जेक्ट के बारी बारी से एक एक कर उनके एवरेज कट ऑफ एटलीस्ट निकाल सके। ये नहीं है कि जो हम कट ऑफ निकालेंगे वो एकदम आयोग के कट ऑफ से मैच, लेकिन हम लमसम उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और मेनली हम सभी की बात करेंगे, जनरल ओबीसी और एससी सभी की इसमें कट ऑफ की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज का। एक्चुअली मैंने आज काफ़ी सारा एनालाइज़ किया इंग्लिश के इंग्लिश के पेपर के को लेकर, एलटी ग्रेड का जो हुआ था, और फिर मैंने ये एक एवरेज कट ऑफ डिसाइड की है। अब देखते हैं कि आप सभी लोग के जो मार्क्स आ रहे हैं उन सभी को देखते हुए ही मैंने ये बनाने की कोशिश की है कि मैं आप सभी को सही और सटीक कट ऑफ दे पाऊँ। तो ये मेरी कोशिश है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं जो मैंने बनाया है। तो मेनली फर्स्टली हम बात करते हैं जनरल की, मेल एंड जनरल फीमेल की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो मेनली जो जनरल की मेल हैं, जिनकी कट जो जा सकती है वो 95 से 105 तक जा सकती है। देखिए दोस्तों, ये जो मैं बता रही हूँ 95 से 105 आ रही है, इसमें आप 5 नंबर प्लस माइनस कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी। तो इसको आप लेके चलिएगा 5 मार्क्स का थोड़ा लेके चलिएगा। तो 95 से 105 तक ये जनरल मेल की जाएगी, और जो जनरल फीमेल है उनकी 90 से 100, क्योंकि फीमेल की थोड़ी कम जाएगी जनरल के मेल से अकॉर्डिंग, तो जहाँ तक है वो 90 to 100 जा सकती है। और इसे भी आप 5 and 10 मार्क्स, ये आप मैं जितनी भी कट ऑफ बताऊँगी अभी आगे चलकर अभी इसमें, तो उसमें आप ये 5 मार्क्स का तो प्लस माइनस रख सकते हैं। तो अब आगे बात कर लेते हैं ओबीसी की, ओबीसी कट ऑफ की। तो ओबीसी कट ऑफ जो जा सकती है वो 93 to 100 प्लस जा सकती है, और मेल एंड फीमेल की 85 to 90 प्लस जा सकती है। तो ये मेनली ओबीसी और ओबीसी की कट ऑफ है मेल एंड फीमेल की, क्योंकि इसमें सभी की जो सीटें हैं वो डिवाइडेड हैं, जो जैसे कि मैंने वैकेंसी में देखा था सभी की सीट डिवाइडेड है। देन तो जो कट ऑफ है वो भी मेरे हिसाब से ये डिवाइडेड ही जाएगी, मतलब सभी की इंडिविजुअल ही जाएगी मेल फीमेल। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही ये डिसाइड करके बनाया, और ये मेनली जो डाटा मैंने कलेक्ट किया था, जो आज लोगों ने कमेंट की वीडियो पे एंड अदर से मैंने काफ़ी सारा डाटा एनालाइज करके निकाला है, तो उसके बेस से मैं आपको ये बता रही हूँ। और अब बात कर लेते हैं एससी मेल एंड फीमेल की कट ऑफ। जो एससी की जो मेल हैं उनकी कट ऑफ जा सकती है 80 to 90 प्लस जा सकती है, एंड एससी फीमेल की 75 to 80 प्लस जा सकती है। तो ये मेनली एक एनालाइजिंग था मेरा इंग्लिश की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर दोस्तों। और देखते हैं जो मैंने ये कट ऑफ आज एनालाइज करके जो एवरेज निकाली है वो किस हद तक सही बैठेगी, और जो अभी जब आयो फाइनल निकालेगा तब हम देख लेंगे इस चीज़ को। लेकिन मेनली जो इतना सारा डाटा एनालाइज करके निकाला है, तो उसको देखते हुए तो यहाँ तक है ये सटीक ही होगी, एंड 5 and 10 मार्क्स का आप देख सकते हैं। एंड रेस्ट ऑफ थिंग मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग, मैंने ये सब आप लोगों के कहने पर ही निकाला, क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, इसकी कितनी जा सकती है। तो मेनली इसीलिए बनाया गया है कि आपको थोड़ा एक इत्मीनान रहे कि इतनी जा सकती है, और देख लेंगे फिर आगे जो भी होगा। वैसे तो ये श्योर ही मेरे को लग रहा है, जितना मैंने ये एनालाइज करके निकाला वो ठीक ही है। और अगर आप अभी किसी को कोई इसको लेकर कोई क्वेरी कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और जो लोग पूछ रहे थे अभी बायोलॉजी का रिज़ल्ट कब आएगा, उसकी कट ऑफ क्या जाएगी, और भी सब्जेक्ट के पूछ रहे थे, तो अभी मैं देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे मतलब बड़े सब्जेक्ट का ही लेकर आऊँगी, जो कट ऑफ एनालाइजिंग निकाल के लेकर आऊँगी। तो मैं देखती हूँ उसको फिर, तब तक के लिए आप मेरे इस वाली वीडियो को देखें एंड शेयर करें। और भी अगर किसी को पता हो कि इंग्लिश में उनके कितने मार्क्स आए, जो भी है इंग्लिश या अदर सब्जेक्ट में, तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए इजी रहेगा, मैं और ज़्यादा एनालाइज करके निकाल सकती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें एंड अपना कमेंट्स करें, मुझे बताएं कि आप सभी के कितने नंबर आ रहे हैं रेस्ट ऑफ जो सब्जेक्ट रह गए उसको लेकर। तो चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा एंड मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।